आम आदमी पार्टी दे दिशा निर्देशों तहत जिले विच पार्टी दे दफ्तर खोलन दे फैसले तहत आज तरन तारन विच आम आदमी पार्टी दा दफ्तर उड़ा खोलिया गया, जिस दी रस्मी रबन कटाई कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह पुल्लर अते एमएलए सरवन सिंह तुन हुना वल्लों कीती गई। इस मौके ते सूबा सकत्तर गुरदेव सिंह लाखणा, लोक सभा इंचार्ज बलजीत सिंह खहरा, जिला प्रधान गुरविंदर सिंह बहिड़वाल, रणजीत सिंह चीमा, जसबीर सिंह सुरसिंह, गुरदेव सिंह संधु, जनरल सकत्तर रजिंदर सिंह उस्मा, प्रेस सकत्तर हरप्रीत सिंह तुना, लाल सिंह भगवानपुर, मैडम अंजू वर्मा, बलजीत सिंह सरपंच, शेर सिंह हरी सिंह वापी, ए दिलबाग सिंह संधु मौके ते लालजीत सिंह पुल्लर ते वख-वख आगुआं ने प्रेस नू संबोधन विच जिला तरन तारन दा एक दफ्तर जो इन्हां चारा हलकियां दी मुख जरूरत सी, जिस विच सारे ब्लाक प्रधान सारे सर्कल इंचार्ज तो इलावा पार्टी दे हर तरह दे वर्करां दे कम्मां दा विशेष ध्यान रख्या जावेगा अते ए दफ्तर दा सी एम हाउस नाल सिद्धा संबंध रहेगा, तां जो वर्करां ते इलाके दे वलंटियरां दा कोई भी काम ना रुके, जिस नाल वर्कर विच एक वखरा उत्साह वेखण नूं मिलेगा, क्योंकि हर एक वलंटियर पार्टी दी रीढ़ दी हड्डी हुंदी है। इस लई रीढ़ दी हड्डी लई पार्टी सदा ही वर्करां दी दिन रात तुहाडी सेवा विच हाजर रहांगे। इस मौके ते इसने तो इलावा हरजीत सिंह संधु, हरप्रीत सिंह संधु, भुपिंदर सिंह टांडा, अमरिंदर एमी ब्लाक प्रधान, गुरजीत सिंह चापका, प्रवीण कुमार, अवतार सिंह सबरा, निंदर सिंह खट्टा, संदीप सिंह, रणबीर सिंह, संदीप सिंह, मैडम रुपिंदर कौर संधु, मनजीत सिंह वरनाला, दविंदर सिंह गोरखा, हरप्रीत सिंह कोट अते होर वी पतवंते सज्जन हाजर सन। पत्रकार सरबजीत सिंह तुरदी विशेष रिपोर्ट। इस दफ्तर का जो मुख्य मकसद है जी, जो साढ़े आम आदमी के जो वलंटियर है और होर भी जो तरन तारण जिले के जो चार हल्के आते हैं, जी आम जनता वा उन्होंने सुख सहूलत लिए दफ्तर खोलिया जा रहा। पार्टी का यह मकसद है कि कोई भी भरा ज कोई इतों का बजुर्ग या कोई नौजवान जिन्होंने कोई काम हो, कई बार हो सकता एम एल ए मंत्री साहबान ना मिल, पर जे नहीं भी मिलते तो दफ्तर आ के वह अपनी जी गल रख सकते हैं, तो वह गाड़ी आपे सरकार साढ़े सी एम साहब भगवंत सिंह मान तक इतों दफ्तर तो गल् सारिया पहुँचन तो लोगों के काम हो पूरे पंजाब दे विच हर जिले दे विच जिहड़े आम आदमी पार्टी की सरकार मान सरकार वालों हर जिले दे विच दफ्तर खोले जा रहे हैं। जिन्हें भी साढ़े आगुआ दे जां पंजाब दे संगत दे जिन्हें भी काम होणगे वह जिला दफ्तर के नोट करवाए जाएंगे, तो जिला दफ्तर के हरेक काम नूं मुख्यमंत्री दफ्तर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दफ्तर नाल वो काम अटैच होणगे, तो वह काम मुख्यमंत्री साहब के दफ्तर तो उत्थों हो के तो फिर वापस इत्थे लोगों नूं जिहड़ी आ ये सहूलत दी जाएगी कि लोगों का कोई काम ना रह सके। जिहड़े साढ़े आगू साढ़े वर्कर वलंटियर लंबे समय तो पार्टी लिए काम करते पे उन्हों का कोई भी काम ना रहे, इस करके हर जिले के विच पार्टी का दफ्तर खोलिया गया। सर इहदा कार्यकाल कौन संभालेगा? कार्यकाल पार्टी जिसकी भी ड्यूटी लावेगी वो ही काम करेगा। पहला तो साढ़े जिला प्रधान जिला जनरल सकत्तर ये साढ़े जिले के दफ्तर नूं देखते रहे, हुण भी पार्टी जिसकी भी ड्यूटी लावेगी वो अनुसार ही सारे काम किए जाएंगे। बिल्कुल जो भी साड़ी जिले की एक्टिविटी वो जिले के दफ्तर तो चलिया करेगी, तो जो भी जिले के मैसेज देना वो साढ़े जिला प्रधान जिला जनरल सकत्तर साढ़े लोग सभा इंचार्ज खडूर साहब तो सरदार बलजीत सिंह खहरा जी, साढ़े माझा जोन के इंचार्ज गुरदेव सिंह लाखणा जी, इतों साढ़े जिले के दफ्तर तो सारी एक्टिविटी चलाया करेंगे। जल्द ही जिहड़े साढ़े शहरां दे वार्डां दे पिंडां दे महल्लियां दे जिहड़े काम है वो जल्द ही शुरू करवाए जाणगे, ते ग्रांटां मान साहब वल्लों कोई किसी नूं इनकारी नहीं, जल्द ही ग्रांटां भी जारी होणगियां, ते विकास कार्ज जिहड़े आ वो हरेक हल्के जिहड़े आ बुलंदियां नूं छूणगे। बिल्कुल साढ़े तरन तारण जिले नाल रिलेटड किसी भी हल्के का कोई भी आगू या किसी नूं कोई मुश्किल हो अपनी मुश्किल इत्थे दर्ज करा सकता, तो उहदी मुश्किल पहल के आधार पर हल की जाए। लंपी स्किन डिजीज़ नाम मुराद बीमारी इन्हें पंजाब दे विच नहीं पूरे भारत दे विच जिहड़ी दस्तक दिती आ, यह बीमारी पहला गुजरात ते राजस्थान तो शुरू हुई, तो जिहड़े कोई साडे व्यापारी भरा जिहड़े उत्थों जानवर लैके खरीद के इत्थे पंजाब च आए तो वह पंजाब च भी इस बीमारी ने पैर पसार ली, तो पंजाब सरकार इस मसले पर बिल्कुल संजीदा आ। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वल्लों हरेक जिले नूं जिहड़े सरहदी जिले ने 5 लाख की राशि, तो जिहड़े दूसरे जिले उन्होंने 3 लाख की राशि 76 लाख रुपया वो जारी कर दिता गया, तो कल 1 लाख
76 77 हज़ार जी डोज जी इन्हों जानवरों लगनी आ वह भी हैदराबाद तो आ चुकी आ ते इहदे तो पहला भी 50,000 तो वध डोज जी जानवरों कर दी गई आ ते विटामिन सी जां कैल्शियम होर भी जिहड़ियां जिहदे नाल इम्यूनिटी सिस्टम जानवरों का तगड़ा होवे वह दवाइया भी सरकार नू फ्री दे विच मुहैया कराइया जा रही। तो मैं अपने शैड मालकां नू जिहड़े पशु पालक ने गऊ धन के जिहड़े रखवाले ने उन्हां नू बेनती करदा कि पहली तो गल मोड़ा पिया ये जिहड़ी बीमारी आ वह घट रही अगे नालों मोड़ा पिया जे किसी कारण किसी के जानवर की मौत होंगी तो उन्होंने खुले वातावरण ना सुटिया जाए उसनू टोआ पुट के दबाया जाए ता जो जी नामराद बीमारी वो अगे ना वध सके। ये बीमारी ज़्यादातर मक्खी मच्छर तो ज हवा दे नाल गां फैलन दे नाल बीमारी ज़्यादा वधदी आ। इस बीमारी नू रोकण लई मैं अपने पंजाब के हरेक पशु पालक नू बेनती करदा कि आप सारे संजीदा होइए तो रल मिल के साथ दईए ता जो ये बीमारी खत्म हो सके। देखो यो जी कोई अफवाह नहीं गी पर मैं ये बेनती करदा कि जिहड़े जानवर बीमार ने उन्हां दा दुध जिहड़ा वा वह ना बेचा जाए जिहड़े ज़्यादा बीमार ने कोई यहो जी अफवाह नहीं हैगी ये गलत अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं। बाद करांगे अज अपना जिहड़ा मुद्दा आ वेखो सुखपाल खैरे को होर कोई काम नहीं हैगा उन्हां दा काम आ बस प्रोपोगेंडे करने वो आप बाद चो करांगे अज जिहड़ा अपना मेन मकसद है आपां लोकां दी सहूलत लई दफ्तर खोलिया लोकां दी गल करिए। कोई गल नहीं आपां लोकां दी गल करिए आपां बाद चो करांगे। बीजेपी नूं होए नूं करीब 7 साल हो गए लोकां दी बड़ी वड्डी आस सीगी क्योंकि कांग्रेस सरकार भी आपदा कार्यकाल पूरा कर गई आम आदमी पार्टी दी सरकार आई की स्थिति आ बेअदबी मामले दी आम आदमी अज आपां दफ्तर खोलिया आपां लोकां दी अज गल करिए बाकी सवाल जवाब आपां बाद चो करांगे। देखो प्राइवेट बसा भी साढ़े भरा ने जो कोई भी मसला आ वह बैठ के रल मिल के हल कर लिया जाएगा ये कोई भी जोड़ा मसला वह नहीं हल हों कि आप बंद कर दीए ज गलत स्टैप लीए रल मिल के बैठ के कोई भी मसला हल हों जो कोई भी मसला हो।